हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर वन है 11th का। तो इसमें हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, इंट्रोडक्शन, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री एंड नेचर ऑफ द मैटर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो ये हमारा लेक्चर नंबर वन है। तो इसमें हम ये पांच टॉपिक है वो कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट, करेक्ट। तो देखिए केमिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर एंड द चेंजेस इट अंडरगोज, करेक्ट। तो ये है हमारा केमिस्ट्री। एंड देन केमिस्ट्री वी कैन से लाइक दैट, केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर एंड दीज एस्पेक्ट्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एंड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ मैटर दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल एंड दैट इज वाई केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, करेक्ट। तो केमिस्ट्री में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, करेक्ट, जिसमें कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल है, फिजिकल है एंड बायोकेमिस्ट्री, करेक्ट। और ये जो केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है सब ब्रांचेज के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं हम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो पहला जो ब्रांचेज है, जो मेजर ब्रांच है, वो हमारे 5 ब्रांचेज हैं। वो है, पहला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब ब्रांचेज होती हैं, जैसे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो देखिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, तो देखिए द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मेटल आयन विद लिविंग टिश्यूज मेनली थ्रू दियर डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। तो ये हम बायो इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। जियो केमिस्ट्री में क्या स्टडी किया जाता है, द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन एंड चेंजेज इन रॉक्स, मिनरल्स एंड एटमोसफियर ऑफ द अर्थ और ए सेलेस्टियल बॉडी। ये हम जियो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद अगला जो इनऑर्गेनिक का ब्रांच है वो है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो इसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो मतलब इनऑर्गेनिक को कैसे डिफाइन करोगे, तो इनऑर्गेनिक का डेफिनेशन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, करेक्ट। देन अगला जो ब्रांच, जो सब ब्रांच है वो है आपका ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, यानी द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन या केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एंड द मेटल। तो ऑर्गेनोमेटिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड का जो है स्टडी करते हैं। अगला जो ब्रांच है इनऑर्गेनिक का वो है आपका सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड मटेरियल। तो यहाँ पर सॉलिड मटेरियल का करेक्टराइजेशन किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है, उसका सिंथेसिस कैसा होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आता है। नेक्स्ट जो हमारा जो ब्रांच है, मेजर ब्रांच, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यदि डिफाइन करें तो देखिए द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेसिकली हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो हमारे जो प्रिंसिपल एलिमेंट होते हैं वो मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं, और अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहता है, कहीं नाइट्रोजन रहता है, कहीं हैलोजन्स रहते हैं, समटाइम नाइट्रोजन भी रहता है, करेक्ट। तो वो तो सब रहेंगे ही, लेकिन जो आपके जो लार्ज क्वांटिटी में रहेंगे वो रहेंगे आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी सब डिवाइड किया गया है, सब ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। तो देखिए ये मैनी एरियाज को क्या करती है, ओवरलैप करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला जो है सब ब्रांच वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है, द डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स एंड इट ओवरलैप्स विद
फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ ड्रग्स एक्शन, यानी फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं, ड्रग्स का स्टडी करते हैं कि उसका एक्शन कैसा होता है। उसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, तो इसमें क्या होता है, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल, तो इसमें कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड होता है उसके यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। एंड नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है आपका पॉलीमर केमिस्ट्री, यानी द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर, जिसमें हम पॉलीमर का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल पार्ट भी आता है थोड़ा बहुत, तो वो आता है आपका फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें क्या स्टडी किया जाता है, द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर उनकी स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैसे होती है वो स्टडी की जाती है। और अगला जो सब ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है, द स्टडी ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल एंड दियर इफेक्ट ऑन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस, तो ये थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब ब्रांचेस। अगला जो थर्ड पार्ट आता है हमारा जो मेजर वो है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो देखिए तो कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री इंक्लूड की गई है, तो देखिए एरिया है हमारा फोरेंसिक केमिस्ट्री, करेक्ट, तो फोरेंसिक केमिस्ट्री भी जो एनालिटिकल का एक पार्ट है, तो इसमें क्या होता है, द अप्लीकेशन ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स टेक्निक्स एंड मेथड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, तो ये सब जो पार्ट है वो आता है आपका फोरेंसिक केमिस्ट्री में आता है। उसके बाद एनालिटिकल का दूसरा जो सब ब्रांच है वो है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो द स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट ऑकर इन द एनवायरमेंट, इट रिलाइज हैविली ऑन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इंक्लूड एटमोस्फेरिक एक्वाटिक एंड सोइल केमिस्ट्री, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपके एक्वाटिक लाइफ का भी स्टडी होता है, सोशल सोइल का भी स्टडी होता है एंड एटमोसफेयर का भी स्टडी होता है। तो मतलब एनालिटिकल को यदि केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सब्सटेंस। अगला जो ब्रांच है सब ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री का वो है बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो इसमें क्या किया जाता है, द एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज ब्लड यूरिन हेयर स्लाइवा एंड स्वेट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक ड्रग्स, तो ये थी आपकी एनालिटिकल की सब ब्रांचेस। उसके बाद जो अगला जो ब्रांच आता है मेजर ब्रांच वो है फिजिकल केमिस्ट्री, तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री भी द स्टडी ऑफ द केमिकल चेंजेस कॉज्ड बाय लाइट, मतलब जिसमें लाइट जब केमिकल सब्सटेंसेस पे उसका जो इफेक्ट है वो है इसके अंदर स्टडी किया जाता है फोटोकेमिस्ट्री के अंदर, तो इट डील्स विद द लाइट। एंड दूसरा जो होता है आपका है सरफेस केमिस्ट्री, करेक्ट, तो सरफेस केमिस्ट्री में क्या होता है, द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एट सरफेस ऑफ सब्सटेंसेस, इट इंक्लूड्स टॉपिक लाइक एडसॉर्प्शन इसमें आता है, हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस, फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड्स, कोरोजन, इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस एंड क्रोमेटोग्राफी, ये सब किस में आता है, सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट में आता है। अगला जो सब ब्रांच है वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी आपकी केमिकल रिएक्शंस किस स्पीड से हो रही हैं, करेक्ट, तो उसका जो काइनेटिक्स है वो स्टडी किया जाता है केमिकल काइनेटिक्स में। एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट्स, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे आपका रेट क्या होता है, अफेक्ट होता है, एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, और कौन सी मैकेनिज्म ऐसी होगी जिससे आपके रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, इस सब की स्टडी जो है केमिकल काइनेटिक्स में आती है। तो फिजिकल यदि केमिस्ट्री को यदि हम डिफाइन करें तो हम बता सकते हैं कि द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, तो ये आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में। एंड फिजिकल केमिस्ट्री की और सब ब्रांच है क्वांटम केमिस्ट्री, तो इसमें क्या होता है, क्वांटम केमिस्ट्री में द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन एंड इंट्रैक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इट इनकॉर्पोरेट्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड दियर रिलेशनशिप टू द केमिकल प्रोसेसेस, जो हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है,
द यूज ऑफ एडसोर्प्शन, इमिशन और स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय मैटर टू स्टडी द मैटर और द केमिकल प्रोसेसेस इट अंडरगोज। ये सभी किस में आते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी में आते हैं। अगला जो हमारा केमिस्ट्री का जो ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में भी सब ब्रांचेज हैं। तो सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री किसे कहेंगे। तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन लिविंग थिंग्स, इट ट्राइज टू एक्सप्लेन देम इन केमिकल टर्म्स। तो ये बायोकेमिस्ट्री है। एंड बायोकेमिस्ट्री की सब ब्रांचेज कौन कौन सी हैं? जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसमें क्या होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में? द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन द वेरियस सिस्टम ऑफ द सेल सच एज डिफरेंट टाइप ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन बायोसिंथेसिस। तो ये सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आते हैं। उसके बाद अगला जो सब ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री का वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है? द स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब जेनेटिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आपका ड्रग्स एक्शन, ड्रग्स का मैकेनिज्म, ये सब स्टडी किया जाता है। द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग्स एक्शन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ऑन एन ऑर्गेनिज्म, ये फार्माकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट जो सब ब्रांच है इसका वो है टॉक्सिकोलॉजी, करेक्ट। तो इसमें क्या होता है? जो आपका जो टॉक्सिक बिहेवियर है, करेक्ट, यानी उनका फार्माकोलॉजी जो स्टडी होती है, इसके साथ में इसी के साथ कंबाइंड है टॉक्सिकोलॉजी भी। तो ये सब ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये टॉक्सिकोलॉजी में आता है। अगली जो सब ब्रांच है वो है आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, मतलब द स्टडी ऑफ द चेंज दैट डिजीज कॉज्ड इन द केमिकल कंपोजिशन एंड बायो केमिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। तो ये आता है आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और लास्ट जो है आपका बायोकेमिस्ट्री का पार्ट वो है आपका एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें क्या होता है? द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री दैट ऑकर इन प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब आता है आपका एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ये थे केमिस्ट्री की ब्रांचेस। अभी हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हमको क्यों पढ़ना चाहिए, करेक्ट, क्यों स्टडी करना चाहिए, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस कहाँ है ना। तो देखिए, साइंस कैन बी व्यूड एज ए कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमाइज नॉलेज ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। तो साइंटिस्ट हमेशा से ये चाहते, मतलब हमेशा से ये स्टडी करना पसंद करते हैं कि नेचर में चीज़ें कैसे हो रही हैं, करेक्ट, नेचर को अच्छे से कैसे समझना है, करेक्ट। तो इसके लिए केमिस्ट्री का नॉलेज होना या केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, केमिस्ट आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर। तो केमिस्ट हमेशा ये जानने की कोशिश करते रहे हैं, करेक्ट, कि कैसे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कैसे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, कैसे केमिकल प्रोसेस होते हैं, है ना। केमिस्ट्री आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। हम रूटीन लाइफ में देख सकते हैं कि केमिस्ट्री हमारा एवरीवेयर है, करेक्ट। आप देखते हो घर में जो भी चीज़ें हैं, है ना, तो कोई डायरेक्ट हैं, कोई इनडायरेक्ट हैं, सब क्या है, केमिकल सब्सटेंसेज ही बनी हुई हैं। तो हमारा जो डेली रूटीन लाइफ है ना, वो भी केमिस्ट्री से डील करता है। एंड केमिकल इंडस्ट्री, जैसे हम बता सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स बिना केमिस्ट्री के पॉसिबल नहीं है। अल्कलीज, एसिड्स, सॉल्ट, डाइज, पॉलीमर, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट्स, मेटल, अलॉय एंड अदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल्स कॉन्ट्रीब्यूट इन ए बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितनी भी फील्ड हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे अल्कली एसिड सॉल्ट हो, डाई इंडस्ट्री, पॉलीमर इंडस्ट्री, ड्रग्स इंडस्ट्री, है ना, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री, सभी के सभी बिना केमिस्ट्री के पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। एंड केमिस्ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, करेक्ट। तो केमिस्ट्री के जो बेसिक नीड हैं वो भी केमिस्ट्री ही क्या कर रहा है, उसमें स्टडी हो रही है। जैसे आपका फूड का रिक्वायरमेंट है, आपके हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, करेक्ट, यानी मेडिसिन वगैरह, तो वो भी बिना केमिस्ट्री के पॉसिबल नहीं है। एंड अगला जो पार्ट है वो है, दिस इज एग्जाम्पलीफाइड बाय द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स।
तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, क्योंकि ये भी पूरा का पूरा केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, तो ये सभी केमिस्ट्री से ही पॉसिबल है। अगला जो इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरी है, सिमिलरली मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स सच एज सिसप्लेटिन एंड टैक्सोल आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी, करेक्ट। तो सिसप्लेटिन जो है कैंसर थेरेपी में क्या होता है, यूज होता है, एंड AZT, ठीक है, तो एजिडोथाइमिडीन, करेक्ट, यूज फॉर द हेल्पिंग एड्स विक्टिम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज और प्रिपेयर्ड बाय सिंथेटिक मेथड। तो ये सभी पॉसिबल तभी हो सकता है जब केमिस्ट्री का क्या हो, नॉलेज हो, करेक्ट। तो केमिस्ट्री कहीं कहीं क्या है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और कोई कोई एरिया जैसे हैं जहाँ पर केमिस्ट्री जो है इनडायरेक्ट रूप से क्या है, इन्वॉल्व है, बट एवरीवेयर केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है। उसके बाद देखते हैं कि नेचर ऑफ द मैटर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या है, करेक्ट। तो मैटर इज नथिंग बट क्या है, मैटर इज नथिंग बट विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, करेक्ट, जिसके पास क्या होता है, कुछ मास होता है और वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा पेन है, ठीक है, बुक है, पेंसिल, वाटर, ठीक है, एयर है, एंड लिविंग बींग्स हैं, ये सभी के सभी क्या है, इट इज कंपोज ऑफ मैटर, करेक्ट। ये सभी क्या है, मैटर है। तो मैटर की यदि हम देखें तो तीन फिजिकल फॉर्म है मैटर की, करेक्ट। बेसिक जो फॉर्म है वो है सॉलिड, एक होता है लिक्विड मैटर, और मैटर कैन बी गैस आल्सो, करेक्ट। तो फिजिकल स्टेट आपकी मैटर की जो है, तीन फिजिकल स्टेट हैं, वो है आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल की यदि हम बात करें, ठीक है, तो सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या होते हैं, काफ़ी क्लोज में रहते हैं, लिक्विड में थोड़े से क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं, मतलब उनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, फ्री स्पेस रहता है, करेक्ट। एंड गैसेज के बीच में क्या होता है, काफ़ी इंटरस्टेशियल जो गैप है वो काफ़ी रहता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर एग्जिबिटेड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सा है। जैसे सॉलिड में आप देखोगे तो डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, एंड डेफिनेट क्या होता है, शेप होता है, करेक्ट। यानी सॉलिड जिस शेप में रहेगा वो ऑलवेज उसी शेप में ही रहता है जब तक आप ऊपर कुछ उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते हो या कुछ कंडीशन चेंज नहीं करते हो, करेक्ट। तो सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, एंड लिक्विड में आप देखोगे तो क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नोट द डेफिनेट शेप। तो वॉल्यूम तो यहाँ पर डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है, तो दे विल एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब जिस कंटेनर में आप उनको रखोगे तो उस कंटेनर का शेप वो ले लेते हैं। एंड गैसेज की यदि हम बात करें जो प्रॉपर्टी है, तो गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम और नॉर डेफिनेट शेप, तो न तो इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है न इनका शेप डेफिनेट होता है, तो दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, मतलब किसी कंटेनर में हमने गैस रख दिया है तो गैस पूरा कंटेनर का वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये था नेचर ऑफ द मैटर कि मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी फिजिकल फॉर्म है। अगला पार्ट है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, करेक्ट। तो मैटर की जो स्टेट होती है यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपस में क्या है, इंटर कन्वर्जेबल है, करेक्ट। यानी सॉलिड को हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को हम गैस बना सकते हैं, गैस को हम लिक्विड बना सकते हैं, और लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, सॉलिडिफाई कर सकते हैं। तो ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, बट ये कैसे पॉसिबल है, करेक्ट। तो इसके लिए आपके दो पैरामीटर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, एक है प्रेशर और एक है टेम्परेचर, मतलब दीज स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल बाई चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यदि आप गैस को, ठीक है, टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड का टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। एंड सॉलिड को यदि आप हीट करते हो तो यू नो दैट ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड लिक्विड को यदि फर्दर हीट करोगे तो वो क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है। तो मतलब आप बाई अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर आप क्या कर सकते हो, मैटर की स्टेट को इंटरकन्वर्जेबल बना सकते हो। अब देखिए ऑन हीटिंग सॉलिड आपने देखा यूजुअली चेंजेस टू ए लिक्विड, एंड लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस इनटू द गैसियस वेपर स्टेट जो आपने देखा, और इन द रिवर्स प्रोसेस में आपने देखा गैस ऑन कूलिंग लिक्विफाइज, ठीक है, टू द लिक्विड, एंड द लिक्विड ऑन फर्दर कूलिंग फ्रीजेस टू द सॉलिड, ठीक है।
तो आप देखते हो, देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही आप हीट करते हो सॉलिड को तो लिक्विड बना रहा है, लिक्विड को हीट कर रहा है तो गैस बना रहा है, गैस को यदि आप कूल कर रहे हो तो लिक्विड बन रहा है, और लिक्विड को यदि आप कूल कर रहे हो तो सॉलिड बन रहा है। तो ये है आपकी स्टेट ऑफ मैटर जो आपस में क्या होती है, इंटरकन्वर्टिबल रहते हैं, है ना। तो इसके लिए दो पैरामीटर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है आपका टेम्परेचर और एक आपका प्रेशर। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है ये है बेस्ड ऑन बल्क लेवल, करेक्ट, यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल बोलते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बिग अमाउंट, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर अमाउंट, करेक्ट। तो ये जो क्लासिफिकेशन है मैटर के, ये है बेस्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल और बल्क लेवल, करेक्ट। तो इसमें बेसिकली मैटर को दो भागों में बांटा गया है, करेक्ट, जो एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं आपके मिक्सचर्स, करेक्ट। तो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, करेक्ट। अब फर्दर प्योर सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं प्योर एलिमेंट और एक होते हैं प्योर कंपाउंड, करेक्ट। दूसरा मिक्सचर को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक मिक्सचर होते हैं आपके होमोजीनियस, एक होते हैं आपके हेट्रोजीनियस, ठीक है। जैसे हम एलिमेंट देखेंगे वन बाय वन, तो एलिमेंट जैसे कौन कौन से हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है ना, मेटल्स हैं, ये सब किस में आते हैं, एलिमेंट्स में आते हैं। मतलब एलिमेंट्स में क्या होते हैं, आइडेंटिकल एटम्स होते हैं। एंड दूसरा होता है कंपाउंड, कंपाउंड में जैसे जैसे वाटर है, कंपाउंड है, उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट एटम आपस में कंबाइंड हुए हैं, करेक्ट। टेबल सॉल्ट है जैसे NaCl, तो उसमें भी क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं, करेक्ट, एंड अमोनिया, करेक्ट। तो ये सब क्या है, कंपाउंड है। तो प्योर सब्सटेंसेस दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड। आगे हम इसका डिटेल स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद आते हैं मिक्सचर्स, मिक्सचर की भी दो कैटेगरी हैं, एक होते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और आपको एक सिंगल फेज दिखाई देगा, करेक्ट, मिक्स होने के बाद में। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे होते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, यानी वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं, और यू कैन सी द सेपरेट लेयर, आपको दो सेपरेट लेयर दिखाई देंगी मोस्टली, करेक्ट, हेट्रोजीनियस के अंदर। तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं कि प्योर सब्सटेंसेज क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख रहे हैं हम प्योर सब्सटेंसेज, करेक्ट। तो प्योर सब्सटेंसेज में क्या होगा, प्योर सब्सटेंसेज हैव फिक्स कंपोजिशन, उनमें एक फिक्स कंपोजिशन होगा। ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूएंट और प्योर सब्सटेंसेज कैनॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल मेथड, और प्योर सब्सटेंसेज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको फिजिकल मेथड से आप नहीं कर सकते सेपरेट, करेक्ट। तो प्योर सब्सटेंसेज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, एक होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स, एलिमेंट में आपने देखा इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर है, करेक्ट, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट जो है एन एलिमेंट इज नोन एज एटम, ठीक है। तो एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपका एटम है। एन एलिमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, तो मैंने आपको बताया कि इसमें एक ही तरीके के क्या होते हैं, एटम्स रहते हैं, एक ही तरीके के क्या होते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं। एंड दीज पार्टिकल्स मे बी एटम और मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। तो यदि एलिमेंट है तो उसमें एटम्स रहेंगे, करेक्ट, और यदि वो कंपाउंड है तो उसमें क्या रहेंगे, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स रहेंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट इज 118, आउट ऑफ विच 98 एलिमेंट ऑकर इन नेचुरली एंड 20 आर फॉर्म बाई द आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो 118 एलिमेंट में 98 जो हैं वो नेचुरल में क्या है, ऑकरेंस में है, यानी नेचुरली अबंडेंट है, जबकि 20 जो हैं वो सारे मैन मेड हैं, यानी इनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया है नेचुरली, एंड 20 आर फॉर्म बाई द आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सभी क्या हैं, प्योर एलिमेंट्स हैं, करेक्ट। ये इनके एटम्स दिखाए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कॉपर, सोडियम, करेक्ट। तो ये सब क्या हैं, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम। और देखिए यहाँ पर नीचे दिखाया गया है H2 मॉलिक्यूल, ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल है। तो H2 मॉलिक्यूल कब फॉर्म होगा, जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में क्या होगा, कंबाइंड होगा, करेक्ट। तो दो ये डिफरेंट सेम एटम्स हैं, जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो आपका क्या बनता है, H2 मॉलिक्यूल बनता है। तो ये सब क्या है, प्योर एलिमेंट में आता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी देखिए O2 होता है फॉर्मूला, तो इसमें भी दो ऑक्सीजन आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, और इसका जो है स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो O2 होता है।
तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये प्योर एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं, करेक्ट। तो आपके कोई मेटल भी हो सकते हैं, करेक्ट, कोई गैसियस जैसे H2 है हो गया, O2 हो गया, करेक्ट, Cl2 हो गया, ये सभी क्या है, प्योर एलिमेंट है, क्योंकि इनमें आइडेंटिकल एटम्स क्या है, प्रेजेंट हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कंपाउंड। तो कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, तो देखिए प्योर कंपाउंड का क्या मीनिंग है, तो फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए फिक्स रेशियो। तो यहाँ पर एक रेशियो जो है वो आपका फिक्स रहेगा, एक मेंटेन रेशियो रहता है, जैसे इट इज़ ए नॉन एलिमेंटल प्योर कंपाउंड, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वाटर है, CO2, करेक्ट, एंड C6H12O6 यानी ग्लूकोज एटसेट्रा। तो आप देखते हो ये सभी के सभी क्या हैं, ये कंपाउंड है, और ये इस कंपाउंड में आपका क्या होता है, एटम्स के बीच में एक डिफरेंट मतलब फिक्स और या डेफिनेट क्या होता है, एक रेशियो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाटर दिया गया है, करेक्ट, इस वाटर में आप देख रहे हो तो दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्स में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एक डेफिनेट रेशियो है, यानी दो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है और एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और इनका जो रेशियो है वो भी क्या है, फिक्स है। सिमिलरली CO2 के अंदर एक कार्बन है एंड दो क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी क्या है, CO2 फॉर्म होने के लिए एक एटम कार्बन का लगा है और दो ऑक्सीजन एटम यहाँ पर कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पर भी क्या है, एक फिक्स रेशियो में कंपाउंड जो है वो कंबाइन हुआ है, करेक्ट। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये प्योर कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है सेकंड कैटेगरी जो है, पहला कैटेगरी था मैटर का वो था एलिमेंट्स और दूसरे हैं मिक्सचर, करेक्ट। तो मिक्सचर में क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, मिक्सर कैसे फॉर्म होते हैं, फॉर्म बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेज इन एनी रेशियो, यानी आपके दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेज आपस में क्या हुए हैं, मिक्स हुए हैं, करेक्ट, बट यहाँ पर आपका रेशियो फिक्स नहीं होता है, कोई भी रेशियो में आपको क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, तो इनको हम मिक्सर बोलते हैं, आपने फिजिकली क्या किया है, उनको मिक्स किया है। एंड मिक्सर जो है फर्दर दो भागों में कैटेगराइज किए गए हैं, एक होते हैं होमोजीनियस और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस, करेक्ट। तो होमोजीनियस मिक्सर में मैंने बताया आपको कि होमोजीनियस क्या है, कि वो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, करेक्ट। और थ्रू आउट दी मिक्सचर में आप देखोगे कि कंपोजिशन जो है थ्रू आउट क्या होता है, आपका सेम रहेगा, मतलब ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन देते हैं। तो देखिए होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, इन्हें होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक्वियस सोल्यूशन वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। सुगर सोल्यूशन, आप शुगर को भी वाटर में डिजोल्व कर लेते हो तो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, उसके बाद आपको शुगर के पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं, मतलब वो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद आता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर में क्या होता है, इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व। तो यहाँ पर जो आपका कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है थ्रू आउट, इसके लिए इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल है ना, कंक्रीट मिक्सचर है, तो इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपस में मिक्स हैं ना। एंड मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ग्रेन एंड पल्सेस अलोंग विद द सम डर्ट, करेक्ट। तो ग्रेन और पल्सेस में कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे पीसेज आ जाते हैं स्टोन्स के, करेक्ट, या फिर सैंड पार्टिकल्स आ जाते हैं, करेक्ट। तो ये सब किस में आता है, आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में आता है। तो मिक्सर को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर्स होते हैं, करेक्ट, और हेट्रोजीनियस जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, करेक्ट। तो अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, मतलब कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए मैटर की प्रॉपर्टी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो सबसे पहले देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पर आपका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हो, करेक्ट, तो उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर लॉस नहीं होती है, आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, करेक्ट, और नहीं यहाँ पर कोई कंपोजिशन चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कलर है,
ऑर्डर है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं। एक होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शंस आती हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो भी आपकी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं कम्स अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड दीज इंक्लूड्स एसिडिटी और बेसिसिटी। जो एसिडिटी और बेसिसिटी जो रिएक्शंस हैं वो भी सब केमिकल प्रॉपर्टी में आती हैं। कंबस्टिबिलिटी, यानी कोई कंपाउंड को आप कम्बस्ट करते हो, करेक्ट, कोई गैस कम्बस्टिबल है, करेक्ट, या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो भी आपके जो रिएक्शन होगी वो केमिकल रिएक्शंस होगी, मतलब वो भी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो ये कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं, करेक्ट। तो देखिए टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द मेजरमेंट, दैट इज इंग्लिश सिस्टम एंड द मेट्रिक सिस्टम, वर बींग यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट द मेट्रिक सिस्टम विच ऑर्गेनाइज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन लेट 18th सेंचुरी वॉज मोर कन्वीनियंट एज इट वॉज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम। तो ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। द नीड ऑफ ए कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम वॉज बींग फील्ड बाई द साइंटिस्ट कम्युनिटी। तो ये पता मतलब इससे ये रिक्वायरमेंट हुआ कि भाई कॉमन ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ताकि सबको उसमें क्या हो, हेल्पफुल हो, और पूरा वर्ल्ड वाइड वो यूनिट जो है वो क्या हो, यूजफुल हो। तो अभी उसके साथ आया हमारा द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको कहते हैं SI यूनिट। तो ये देखिए SI यूनिट का इंट्रोडक्शन है कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इन्फ्रेंसली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइटेड, ठीक है, एब्रीवेटेड एज SI, वाज इस्टेब्लिश्ड बाई 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। द CGPM इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाई ए डिप्लोमेटिक ट्रीटी नॉन एज मीटर कन्वेंशन विच वॉज साइंड इन पेरिस इन 1875। ये ओनली इंफॉर्मेशन के लिए है। एंड देखिए द SI सिस्टम हैज 7 बेसिक यूनिट्स एंड दे आर लिस्टेड इन द टेबल। तो देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, देखिए पहली जो आपकी फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी लेंथ। तो लेंथ का जो सिंबल होता है स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो यूनिट होता है SI यूनिट लेंथ का मीटर होता है, और उसको सिंबल स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटी है नंबर 2 वो है आपका मास। मास को जो सिंबल है वो स्मॉल एम है, और मास की जो SI यूनिट है वो किलोग्राम है, उसका सिंबल जो है वो kg है। सिमिलरली टाइम का जो यूनिट जो सिंबल है वो है आपका स्मॉल टी, एंड टाइम का जो SI यूनिट है वो है आपका सेकंड, और उसका सिंबल है S। सिमिलरली आपका इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उसका जो सिंबल है वो I है, और उसकी जो SI यूनिट है वो एम्पियर है, और एम्पियर को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से। सिमिलरली थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर भी क्या है आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टी में आता है, उसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो कैल्विन होता है, उसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज की जो SI यूनिट होती है वो होता है मोल, और उसका जो सिंबल है SI यूनिट का वो है आपका मोल, MOL। एंड लास्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो आपकी 7th क्वांटिटी है, वो है आपका इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, उसको I न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो SI यूनिट होता है वो होता है आपका कैंडेला, और उसकी जो SI यूनिट होती है, ठीक है, उसका सिंबल है CD, करेक्ट, कैंडेला। तो ये सब 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स हैं जिनके सिंबल दिए गए हैं और उनकी SI यूनिट दी गई हैं। अदर देन दिस यूनिट्स, जो भी यूनिट्स होती हैं वो आपकी डिराइव्ड यूनिट होती हैं, जो आपके फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड होती हैं। तो जितने भी आपने SI सिस्टम देखे, तो देखिए द SI सिस्टम अलाउ द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ ए यूनिट, दीज प्रीफिक्सेस आर लिस्टेड इन द टेबल। तो जब जो भी यूनिट आप यूज करोगे SI यूनिट, तो उसमें हमेशा आपके प्रीफिक्सेस जो हैं
वो यूज़ होते हैं प्रीफिक्सेस और मल्टीपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेबल दी गई है जिसमें इनकी पावर दी गई है 10^2 में, करेक्ट। ये इनके प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, ठीक है, और ये उनके एब्रीवेशन सिंबल दिए गए हैं, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 10^1 है तो उसको हम डेका बोलते हैं, 10^-1 डेसी, 10^-2 सेंटी, 10^-3 मिली माइक्रो, 10^-9 नैनो, 10^-12 पीको, करेक्ट। तो सिमिलरली ये माइनस में भी हैं और ये प्लस में भी होते हैं। जैसे प्लस में 10^3 हुआ तो किलो, 10^6 को मेगा, 10^9 गीगा, 10^12 टेरा, करेक्ट, लाइक दैट। तो ये प्रीफिक्सेस आपके कैलकुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंस शो करते हैं, करेक्ट। उसके बाद हमारी जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो है मास एंड वेट। तो मास एंड वेट क्या है, करेक्ट। तो देखिए, मास इज नथिंग बट क्या है, मास इज ऑफ ए सब्सटेंस इज द क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, वाइल वेट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो मास जो है वो ओनली क्या है, आपका सब्सटेंसेस का अमाउंट है, करेक्ट, ठीक है, मास। बट जो वेट है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्रेविटी चेंज होने से आपका क्या होगा, वेट चेंज हो जाता है, बट मास जो है आपका उतना ही रहेगा। एंड द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉन्स्टेंट, वेरीज इट वे मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। जो मैंने आपको बताया कि मास जो है आपका अर्थ पे भी उतना ही रहेगा, आपका मून पे भी उतना ही रहेगा, आपका सन पे भी उतना ही रहेगा, लेकिन आपका वेट जो है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज प्लेस टू प्लेस क्या होता है, आपकी ग्रेविटी चेंज होती है। तो देखिए, मास जो सब्सटेंसेज है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो देखिए, मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग द एनालिटिकल बैलेंस। तो देखिए, राइट साइड में आप देख पा रहे हो, ये आपका क्या है, एक एनालिटिकल बैलेंस है, करेक्ट, जो लेबोरेटरी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एनालिटिकल बैलेंस है और इससे आप काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में भी आप क्या कर सकते हो, सब्सटेंसेस को मेजर कर सकते हो, करेक्ट। तो देखिए, ऐसा यूनिट क्या है फिर मास का। तो ऐसा यूनिट आपने देखा कि मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, ठीक है। तो 1 kg को यदि हम हमेशा लेबोरेटरी के अंदर हमको 1 kg अमाउंट हमेशा नहीं मिलेगा, कुछ भी हमको काम करना है तो कुछ ग्राम्स में, कुछ मिलीग्राम्स में, करेक्ट, कुछ माइक्रोग्राम्स में क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, छोटी क्वांटिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, करेक्ट। तो मोस्टली जो है आपको लेबोरेटरी में ग्राम और मिलीग्राम क्वांटिटी में सब्सटेंसेस यूज होते हैं। तो ये आपके मोर इन्फॉर्मेशन के लिए है कि यूनिट ऑफ मासेस, करेक्ट। जैसे 10 मिलीग्राम का क्या मतलब है ना, 1 cm, एंड 10 cm इज इक्वल टू 1 dg, करेक्ट। तो ये जो है कन्वर्जन यूनिट्स हैं जो मास को हम आपस में क्या कर सकते हैं, किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिजिकल जो मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो है वॉल्यूम। तो देखिए, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट होती है वो होता है लेंथ का क्यूब होता है, करेक्ट। तो वॉल्यूम का लेंथ का क्यूब होता है, और लेंथ को किस में मेजर करते हैं, लेंथ को करते हैं मीटर में मेजर, करेक्ट। तो जो SI यूनिट होगी आपकी वॉल्यूम की वो होगा आपका मीटर क्यूब, करेक्ट। बट केमिस्ट्री में मैंने अभी आपको बताया कि लेबोरेटरी में मीटर क्यूब इतना अमाउंट आप लोग नहीं देखते हो या यूज़ नहीं करते हो, तो आप तो अमाउंट थोड़ा यूज़ करेंगे, करेक्ट, जैसे ML में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम सेंटीमीटर और डेकामीटर क्यूब जो है वो यूनिट यूज़ कर सकते हैं। तो 1 dg³ इज नथिंग बट क्या होता है, 1 L होता है, एंड 1 L इज इक्वल टू, यदि हम ML में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 dg³ इज नथिंग बट 1 L होता है, और 1 L में यदि हम ML कैलकुलेट करेंगे तो 1000 ml होता है, करेक्ट। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 1 cm³ इज नथिंग बट क्या होता है, 1 ml वॉल्यूम होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1000 cm³ इज नथिंग बट क्या होगा, 1 dg³, यानी दैट इज नथिंग बट 1 L, ठीक है। तो जो भी हमको वॉल्यूम चाहिए उस हिसाब से हम वॉल्यूम का क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। अभी बात आती है ये कि वॉल्यूम हम कैसे मेजर करेंगे। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए कुछ क्या होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे ब्यूरेट है, लेबोरेटरी में आपको ब्यूरेट मिलेगा, उससे आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। दूसरा है पीपेट, एक डिवाइस है, तो वो फिक्स अलग अलग कैपेसिटी के क्या होते हैं,
पिपेट्स होती हैं, जैसे 5 ml कैपेसिटी, तो उसे हम 5 ml ड्रॉ कर सकते हैं, 10 ml, 20 ml, 25 ml, तो जितने भी कैपेसिटी का हमारे पास पीपेट होगा उतना हम वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएटेड सिलेंडर आपको देखने को लिए मिलेगा, करेक्ट। तो उसमें आपके 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, तो जितनी कैपेसिटी का आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो, वो ग्रेजुएटेड रहता है, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। और लास्ट आता है एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी कहते हैं, फिक्स क्वांटिटी के होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 1 लीटर दिया है, तो यहाँ के इसके नेक पे एक मार्क रहता है, उस मार्क तक यदि आप इसमें से सॉल्यूशन लोगे तो ये आपको 1 लीटर बताएगा, करेक्ट। तो ऐसे 250, 100, 50 ml, तो अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, तो आपको वॉल्यूम मेजर करने के लिए आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी यूज़ कर सकते हो। कर तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए यू कैन यूज़ ब्यूरेट, यू कैन यूज़ पीपेट, यू कैन यूज़ ग्रेजुएटेड सिलेंडर एज वेल एज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। और ऐसा यूनिट आपको बता दिया है कि क्या होता है, ऐसा यूनिट आपका 1 dm³, ठीक है, = 1 L होता है, करेक्ट। तो मतलब ऐसा यूनिट में आपको मीटर क्यूब बोलना है, करेक्ट। तो मीटर क्यूब जो है इसकी क्या है, SI यूनिट है वॉल्यूम का। तो ऐसे आप वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज नथिंग बट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट। तो यानी डेंसिटी इज नथिंग बट क्या होता है, डेंसिटी इज नथिंग बट क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम होगा, करेक्ट। तो इसकी भी जब SI यूनिट आप यूज करोगे, तो मास को जो SI यूनिट होती है आपने देखा kg होता है, करेक्ट। क्या होता है, मास का यूनिट kg होता है। एंड SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का अभी आपने देखा मीटर क्यूब होता है। तो मतलब डेंसिटी की जो यूनिट आएगी वो आएगी आपकी kg पर मीटर क्यूब, करेक्ट। तो हमेशा आपको जरूरी नहीं कि kg पर मीटर क्यूब ही मिले, करेक्ट। तो ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई है ना, बट इसको इसमें स्मॉल क्वांटिटी में यदि एक्सप्रेस करें तो आप किलोग्राम को ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसकी जो छोटी यूनिट होगी वो होगी आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो मास है वो इसकी SI यूनिट kg था, करेक्ट। एंड वॉल्यूम का जो SI यूनिट है वो आपका मीटर क्यूब था, करेक्ट। तो kg पर मीटर क्यूब क्या है, डेंसिटी का यूनिट होगा, करेक्ट। और उसको स्मॉलर टर्म में उसको यूज करेंगे तो आप उसको क्या बोल सकते हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपका टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर में हम देखते हैं यहाँ पर, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल यूज होते हैं। एक होता है फारेनहाइट, एक होता है डिग्री सेल्सियस और एक होता है केल्विन, जिसमें आपका SI यूनिट जो होता है वो होता है आपका केल्विन यूनिट। तो देखिए ये जो स्केल है, डिग्री फारेनहाइट, यानी फारेनहाइट को डिग्री लगता है, सेल्सियस को भी डिग्री लगता है, लेकिन केल्विन को डिग्री नहीं लगता है। तो ये जो स्केल है फारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस या केल्विन, इसको आपस में आप क्या कर सकते हो, इंटरकन्वर्ट कर सकते हो, करेक्ट। तो इसके लिए जो रिलेशन है मैं आपको बता देता हूँ। पहला आता है आपका जो रिलेशन है वो आता है डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट, करेक्ट। यदि आपको डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया हो और उसको आपको फारेनहाइट कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, करेक्ट। तो दिस इज द फॉर्मूला, F = यानी डिग्री फारेनहाइट = क्या है, 9/5 * डिग्री सेंटीग्रेड + 32, करेक्ट। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपने 0 डिग्री लिया, करेक्ट, लेटेस्ट से। तो देखिए फारेनहाइट में कैसे बदलोगे, यदि आपको फारेनहाइट में करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो 9/5 * आपका क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे मान लीजिए आपने 0 डिग्री ले लिया, करेक्ट, एंड प्लस क्या कर दिया, 32 कर दिया। तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो मतलब डिग्री फारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, करेक्ट। तो यानी आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो फारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पर, तो डिग्री सेल्सियस वाले स्केल पे देखिए आप, तो यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फारेनहाइट में देखिए 32 फारेनहाइट आया है, करेक्ट। सिमिलरली मान लीजिए आपको यहाँ पर 100 डिग्री को करना है, करेक्ट। तो 100 डिग्री को कैसे करोगे आप, तो यहाँ पर डिग्री फारेनहाइट = क्या हो जाएगा, 9/5 * 100 ले लीजिए एंड प्लस 32, करेक्ट। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 20 आ जाएगा, करेक्ट। तो 20, तो ये आ जाएगा 180 + 32, तो ये आ जाता है 212
आ जाता है, करेक्ट। तो आप देख सकते हो कि यदि आप डिग्री सेंटीग्रेड कितना लेते हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हो, तो फारेनहाइट में कितना होगा, 212 फारेनहाइट होगा। सिमिलरली दूसरा जो हमारा है वो है डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में कैसे चेंज करोगे, ठीक है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या है हमारा कि केल्विन इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड दिया है उसमें हम कितना ऐड करेंगे, 273.15। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर 0.15 जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है, करेक्ट। तो इसकी जगह पे आप ओनली 273 ही ऐड कर लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो केल्विन में कितना होगा, तो 0 + 273 ही ऐड करना आपको, तो 273 केल्विन हो जाएगा। सिमिलरली यदि मान लीजिए आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो आपको 273 ऐड कर देना है, तो 373 केल्विन हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर के जो स्केल हैं उनको आपस में इंटरकन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी तथा टेम्परेचर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।